कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो बच्चा जिसके साथ मम्मी को ज्यादा खुश दिखेगा उसी को तो पापा समझेगा। उसको क्या मालूम कि हमारी मम्मी हमारे पैदा होने के बावजूद भी हमारे पापा को छोड़ के किसी और से इश्क लड़ा रही है। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है। बच्चा अपने बाप को सही से पापा नहीं बोल पाता, पापा बोलने के चक्कर में चार बार पापा को ही मामा बोल जाता है। उस उम्र में हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का बच्चा अपनी मम्मी से गोलगप्पे खाने को बोल रहा है। अब वो दिन दूर नहीं कि नासा वाले हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के बच्चों के ऊपर रिसर्च करेंगे। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। भाई साहब का कहने का मतलब है इनकी जो लबर है जब से ससुरा से नैया रही है उसका जो छोड़ा है दिनों रात इन्हीं के घर रह रहा है। तो भाई साहब जब घर के पास पड़ोस वाली लड़की को ही लबर बनाओगे तो उसका छोड़ा तुम्हारे घर आएगा भी और तुमको मामा भी बोलेगा। मालूम कि वो तुमको सुदामा क्यों कर रहा है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि किसी महापुरुष ने कहा था गांव की कुतिया गांव के किसी कुत्ते से सेट नहीं होती, और तुम उसी बात का उल्टा करने की कोशिश की हो। शायद इसी वजह से उसका लड़का तुमको सुदामा और मामा दोनों कह रहा है। नहीं वो गलत कह रहा है, उसको हीरा कहना चाहिए ताकि हम भी कह सके कि लड़का हीरा है, खाता कुछ और बताता खीरा है, तब तुमको भी मजा आता और इस आज के लौंडे के फैमिली मेंबर्स को वीडियो देखने में तो आ ही रहा है। चला ले चली तह के है रोहरी के खेतवा में का है, यहां का दिक्कत है। डगरही पई लगावा हमनी के प्यार ना करे दी। नहीं ये भी बात सही है भाई, जब हमारी बॉलीवुड वाली नेहा दीदी तारों के शहर में प्यार करने के लिए जा सकती है तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री वाले मच्छरों के शहर आरआर के खेत में प्यार करने के लिए तो जा ही सकते हैं। प्यार तो दोनों जगह वही वाला होने वाला है, कहीं दो मिनट ज्यादा होगा कहीं दो मिनट कम होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। गेहूं नहीं रोकी टोकी चला होने वाला कोइल जाई प्यार खूबे पड़ता दे जड़। दिखा दिया ना ठरकपन, साला इसकी शकल से ही लगता है कि ये पूरा का पूरा ठरकी है, साला जाड़े में आड़े में ले जा रहा है। बताइए इधर आग जला के जाड़ा दूर किया जा रहा है और ये साला आड़े में ले जाके जाड़ा दूर कर रहा है, पता नहीं हमारा कब दिन आएगा ऐसा। हेलो। हाँ सोना बोला। दो साल प्यार फैला हो गए। दो साल प्यार किए हुए हो गया, तब तो पूरा जंग लग गया होगा, सर्विसिंग की जरूरत होगी। दस लाख क्या कर, मतलब सीधा सीधा बोलो कि तुमको दहेज चाहिए। दहेज लेना वैसे तो गलत बात है, अगर कोई बाप आज अपनी लड़की की शादी कर रहा है तो उसको दहेज देना पड़ रहा है, और कल को अगर वो अपने लड़के की शादी करेगा तो वो दहेज क्यों नहीं मांगेगा। जागो गधा हक जागो, लड़की ले कर भागो। नहीं बढ़िया ग्राहक जगा रहे हो, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहन तो होगी, कल को कोई लेके भाग जाएगा तब भी यही कहते रहना जागो ग्राहक जागो लड़की लेके भागो। हाँ अपनी वाली को लेके भागो और किडनैपिंग का कलम लगने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि अभी गोलुआ को लगा था तो वो शांत बैठा है और एक कलुआ परेशान बैठा है। कमर टूट रहा है, सर दर्द कर रहा है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, तो मैडम सीधा बताओ ना कि रात को हुआ क्या है। पटना कौन नशा करेला, नशा करेला जब मिले पावर दशा करेला। मैडम वो कोई नशा नहीं होता है, वो शायद किसी फोर्स नाम की कंपनी का कैप्सूल होता है जो कि घंटे के हिसाब से आता है, वो शायद ज्यादा घंटे वाला ले लिया होगा इसीलिए आपको दिक्कत आ रही है। स्लीप है ये लौंडा। हम छाव भुइया बिछा के हमरा के ओ बस सुतावे, कच्चे उम्र में जाने का करेला। नहीं आप ही सोचो, इन मैडम की अभी कच्ची उम्र है तो इनके लिए फोर्स कंपनी का कैप्सूल लेना पड़ रहा है घंटों वाला, जब ये जवान होंगी तो इनके लिए पता नहीं क्या क्या लेना पड़ जाएगा। तुम्हें शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है? तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस आज के लौंडे की फैमिली से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।